इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिक्शनरी को देखेंगे। डिक्शनरी जिस तरह से हम लोग लिस्ट टपल और सेट के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पेयर के अंदर वैल्यू होती है, एक उसकी की होती है और एक उससे उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होती है। जिस तरह से हम लोग सेट को जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट करते थे, इसी तरह से डिक्शनरी को भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के साथ जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद डिक्शनरी दी आइटम्स आर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, जो 3.7 या उसके बाद जो इसके वर्जन आए हैं पाइथन के, उसके अंदर क्या था कि जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है, लेकिन उससे पहले 3.6 या उससे पहले जो उसके वर्जन थे तो उसमें क्या थी लिस्ट, सॉरी उसमें डिक्शनरी क्या थी अनऑर्डर थी। उसके बाद ये चेंजेबल भी है एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, और डुप्लीकेट्स को अलाउ भी नहीं करती। और इसमें अगर हम लोगों ने डाटा को एक्सेस अगर करना है तो हम लोग उसकी इंडेक्स की जगह उसकी की देंगे, उससे उसके अगेंस्ट उसकी जो है वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें क्या किया मैंने एक कर्ली ब्रैकेट के साथ डाटा जो है उसके अंदर स्टोर करवाया कर्ली, और इसमें मैंने दो चीज़ें दी, एक तो मैंने की दी कॉलम से पहले जो है वो इसकी की है, और कॉलम के बाद जो है हम इसकी वैल्यू देते हैं जो उसके उसके की के अगेंस्ट होगी। तो नेम इसमें क्या है नासिर, और इसी तरह से मैंने एज एंटर करवाई तो वो क्या होगी 25, और इसके बाद मैंने फ़ोन नंबर ये स्टोर करवा दिया, ठीक है। बाद में मैंने उसे प्रिंट करवाया तो उसने मुझे प्रिंट करवा दिया नेम एज ए डिक्शनरी, पहले उसने की दी मुझे, फिर वैल्यू, फिर सेकंड की, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड की उसकी, और उसके अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू थी वो मुझे उसने प्रिंट करवा दी। अगर मैं इसकी अब डिक्शनरी की टाइप चेक करूँ तो जो अब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी, तो वो क्या देगा मुझे कि इसकी जो वैल्यू है जो इसकी डाटा टाइप है वो डिक्शनरी है। और लेंथ फाइंड करने के लिए सेम उसका फंक्शन है लेंथ का, तो वो हमें इसकी लेंथ दे देगा, इसकी लेंथ जो है वो 3 है तो वो हमें 3 प्रिंट करवा देगा। और मैंने कहा और इसमें हमने देखा था कि इसके जो हम वैल्यूज़ को गेट करनी है तो हम इंडेक्स से नहीं, हम लोग इसकी की से देंगे और वो हमें उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देगा। तो इसमें मैंने उसके की दी नेम और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है नासिर, उसने मुझे वो प्रिंट करवा दी। बात कर लेते हैं कि ऑर्डर और अनऑर्डर, इसमें क्या है कि जो 3.7 और या उसके बाद जो वर्जन आए हैं इसके पाइथन के, उसमें जो है डिक्शनरी वो ऑर्डर्ड है, उससे पहले जो थी वो उसमें अनऑर्डर्ड थी। ऑर्डर मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूं, मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो है इसके बारे में बताया था। अगर लोग आप लोगों ने अभी तक मेरी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर कार्ड के अंदर उसका लिंक आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इसमें क्या होगा, मेरा जो वर्जन है वो 3.11.7 है, तो उसमें क्या होगा कि हमें ये ऑर्डर देगा। तो इसमें हमने जैसे ऊपर देखा कि मैंने प्रिंट करवाया तो उसने सेम मुझे वैल्यूज़ दी, इसमें भी क्या करेगा मुझे सेम वैल्यूज़ देगा, कोई भी इन चीज इनकी जो वैल्यूज है उनके अंदर वो चेंजिंग नहीं करेगा। पर मैं अब इसके ऊपर हम लूप लगा के भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि फॉर एक्स इन माई इन्फो और प्रिंट करें क्या करवा दो एक्स, वो इसकी कीज को प्रिंट करवा के देगा, ना कि वैल्यूज को प्रिंट करवा के देगा। और अगर हमने उसकी अगेंस्ट वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो क्या होगा कि हम उसे कहेंगे कि माई इन्फो जो हमारा वेरिएबल का नेम था, और उसके बाद इंडेक्स जो एक्स के अंदर वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और क्या कर देगा वो सीक्वेंस वाइज हमें जो है इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें कीज़ और वैल्यूज़ दोनों ही प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। पाइथन का बिल्ड इन मेथड है डॉट आइटम्स, आइटम्स का आइटम डॉट आइटम से क्या होगा, जितना भी हमारे पास डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा वो सीक्वेंस वाइज एक्स और वाई के अंदर, एक्स के अंदर की आएगी और वाई के अंदर वैल्यू आएगी, और बाद में उसे क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। उसने क्या किया हमें की और इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यूज थी वो हमें उसने प्रिंट करवा दी। चेंजेबल से क्या मिला था कि हम इसकी वैल्यूज को जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने डिक्शनरी के अंदर चीज़ों को ऐड कैसे करते हैं। जिस तरह से लिस्ट के अंदर हम लोग इंडेक्स दे के उसमें कोई नई वैल्यू को ऐड कर देते थे, इसी तरह से हम लोग इसके अंदर की देंगे और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू देंगे जो कि हमारे वेरिएबल जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहले उसे ये बताया कि हमारी जो वेरिएबल है वो कौन सा है, माई इन्फो है, और उसके अंदर क्या करो एक की जनरेट करो और उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू हो वो आपने पाकिस्तान स्टोर करवा देनी है। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस जो है वो पाकिस्तान का उसके अंदर स्टोर करवाया, तो उसने मुझे नीचे उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दी। ठीक हो गया, इसने मुझे जो मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी उसके अंदर क्या कर दिया, एड्रेस को जो है वो ऐड करवा दिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम जो डिक्शनरी के अंदर से आइटम्स को किस तरह से रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसका पॉप का बता देता हूं कि इसमें क्या होगा, हमें हमने वेरिएबल का नेम देके उसके आगे डॉट पॉप जो मेथड है उसे कॉल करना है,
और उसके अंदर वो की दे देनी है जिसे हमने रिमूव करना है। जैसे पॉप के अंदर हम कुछ भी नहीं देते, वो लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देता है। इसी तरह हमने डॉट पॉप के अंदर इसमें एक की दे दी जो क्या करेगा, डॉट फोन नंबर को उसमें से रिमूव कर देगा। अगर मैं इसे अब इसे पॉप करवाने के बाद जो है वो प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास फ़ोन नंबर जो है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे उसमें डिक्शनरी में से रिमूव कर दिया है। क्लियर के मेथड में क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी जो है डिक्शनरी वो क्लियर हो जाएगी, सिर्फ एम्प्टी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा डॉट क्लियर के मेथड से सारी की सारी वैल्यूज जो है वो रिमूव हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी। डिलीट के मेथड में क्या होगा कि डिलीट के मेथड से अगर हम लोग पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट उसका डिक्शनरी का नाम जो है वेरिएबल जो था वो हम उसे दे देंगे, तो वो क्या करेगा पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा, और बाद में अगर मैं उसे प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे एरर देगा कि माई इन्फो जो है वो डिफाइन ही नहीं है। अपनी डिक्शनरी में से वैल्यूज़ को भी जो है वो डिलीट करवा सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे और उसमें वो की देंगे जिसे हमने रिमूव करवाना है, डिलीट करवाना है, तो उससे क्या होगा ये जो है वो हमारी डिक्शनरी में से डिलीट हो जाएगी। उसने मुझे ए जो है वो मेरी डिक्शनरी में से प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि उसने मुझे उसे डिलीट कर दिया। अब कॉपी डिक्शनरी का मेथड जो है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि हम हमारे पास एक डिक्शनरी पहले से स्टोर है और हम उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। उसने क्या किया, पहले माई इन्फो डॉट का माई इन्फो जो मेरा वेरिएबल है जो डिक्शनरी का नेम है उसकी एक कॉपी क्रिएट की, और उसके बाद उसने क्या किया उसे एक न्यू इन्फो नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और बाद में मैंने उसे क्या किया उसे प्रिंट करवा के चेक कर लिया कि उसके अंदर उसने कॉपी स्टोर की है या नहीं की। डिक्शनरी के अंदर हम लोग जो है वो नेस्टेड डिक्शनरी को भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स की ये इन्फॉर्मेशन है एक स्टूडेंट की, और उसमें एक क्लास वाइज जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो वो हमने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम नेस्टेड डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। उसमें मैंने क्या किया, जिस तरह से हम इस एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं, मार्क्स इन्फो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डिक्शनरीज को स्टोर करवाने के लिए, उसमें उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, तो सबसे पहले मैंने क्या किया क्लास 8 का जो है वो मैंने मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं क्लास 8 लिखूँ, सबसे पहले मैं उसकी की लिखूंगा, फिर उसकी जो कॉलम्स लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं उसकी वैल्यूज़ लिखूंगा जो उसकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे जो भी हमने वैल्यू उसमें स्टोर करवानी है। उसी तरह से सेम जो है हम क्लास 9 के लिए भी डाटा स्टोर करवाएंगे, तो जब हमने मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे दोनों क्लासेस को प्रिंट करवाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लास 8 में से किसी के मैथ के या इंग्लिश के जो है वो मैंने मार्क्स चेक करने हैं, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं मार्क्स जो है मैंने डिक्शनरी का नेम था जो वेरिएबल था वो मैंने लिखा, सबसे पहले मैं क्लास का नेम लिखूंगा जिस क्लास के मैंने जिस सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, और उसके बाद मैं उस सब्जेक्ट का नेम लिख दूंगा कि इस मुझे सब्जेक्ट के जो है वो मार्क्स दे दो कि इस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। इसे मैं रन करूंगा तो वो क्या करेगा, पहले क्लास 8 में जाएगा और उसमें मैथ के जो मार्क्स हैं वो मुझे शो करवाएगा कि उसके 95 मार्क्स हैं। फ्रॉम की से क्या होगा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट के सेम नंबर है तो हम सेपरेटली लिखने की बजाय के हम लोग उसे सेपरेटली लिखेंगे, स्टैट के जो मार्क्स हैं वो 73 हैं, मैथ के जो वो भी 73 हैं, इंग्लिश के जो है वो भी 73 हैं, तो उसके लिए उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग फ्रॉम की का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। वो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर है। पहले सबसे मैंने अपने सब्जेक्ट के जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाई थी टपल वो मैंने पास की, और उसके बाद मैंने उसे वो वेरिएबल असाइन किया जिसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है, जो मेरा इंटीजर है वो स्टोर है, जो इसके मार्क्स हैं वो स्टोर है, तो मैंने वो उसे असाइन किया। वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टैट को 73 मार्क्स असाइन करेगा, फिर मैथ को 73 और फिर इंग्लिश को 73, और बाद में हमें क्या मैंने उसे क्या किया उसे प्रिंट करवा लिया, तो हमें शो करवा देगा स्टैट के मार्क्स जो हैं वो भी 73 हैं, मैथ के भी 73 हैं और इंग्लिश के भी 73 हैं। गेट से क्या होगा कि हम लोग जस्ट एज की जो है वो अपनी डिक्शनरी के अंदर से एज को गेट कर रहे हैं, तो उसके लिए डॉट गेट का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे और वो हमें एज जो है वो 25 इसकी प्रिंट करवा देगा। पॉप आइटम्स के मेथड से क्या होगा कि इससे भी जिस तरह से हमने पॉप के अंदर देखा कि वैल्यूज़ को रिमूव करता है, इसमें भी इस तरह से वो की और वैल्यू दोनों को इस डिक्शनरी के अंदर से रिमूव कर देगा। वो क्या करेगा, डॉट पॉप आइटम के अंदर वो लास्ट वाली जो भी वैल्यू होगी वो उसे रिमूव कर देगा। उसने मुझे क्या किया इस वैल्यू को रिमूव कर दिया, और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ माई इन्फो तो उसके अंदर मुझे फ़ोन नंबर प्रिंट नहीं करवाएगा।